आगे बढ़ने और अब आपको एक अलग तरीके की खबर दिखाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऐसे कई सारे सितारे हैं जो कि हिंदुस्तानी होने के बाद भी लोकसभा चुनाव में अपना वोट नहीं दे सकते। जी हाँ, आइए हम आपको बताते हैं कि बॉलीवुड के ऐसे देशभक्त स्टार जो फिल्मों के जरिए राष्ट्रभक्ति देशभक्ति दिखाते नजर आए, लेकिन अफसोस वो लोकसभा चुनाव में मतदान की अपील तो करते दिखाई दे रहे हैं लेकिन वोट नहीं डाल पाए। अब इसके पीछे का कारण क्या है, ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, पहले चरण के मतदान हो चुके हैं, वहीं अब आगामी चुनावी चरणों के लिए बॉलीवुड सितारे अपील कर रहे हैं कि देश का हर व्यक्ति वोट करे। बॉलीवुड स्टार्स इन दिनों अपने फैंस को एक खास मैसेज देते नजर आ रहे हैं। उधर कुछ ऐसे स्टार हैं जिन्होंने देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्मों में अभिनय कर मिसालें पेश की हैं। इन स्टार्स में से कुछ ऐसे भी हैं जो न सिर्फ रियल लाइफ बल्कि रियल लाइफ में भी देशभक्ति की भावना व्यक्त कर मिसालें दे चुके हैं। इन स्टार्स के साथ विडंबना ये है कि वोट डालने की अपील कर रहे बॉलीवुड सितारे खुद वोट नहीं डाल पाएंगे। अक्षय कुमार, पासपोर्ट कनाडा। अभिनेता अक्षय कुमार कई सारी देशभक्ति की फिल्में कर चुके हैं, ऐसे में देश की जनता उन्हें बेहद प्यार करती है। उनकी फिल्म देखकर भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हाल ही में अक्षय की देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म केसरी भी आई। अक्षय ने बेबी, हॉलीडे, सैनिक जैसी कई फिल्मों में देशभक्ति का अभिनय किया। अपनी फिल्मों के जरिए अक्षय देश के प्रति प्रेम दर्शाते हैं। कई फिल्मों में सिपाही और पुलिस कर्मियों का रोल कर चुके हैं। इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती है, लेकिन अक्षय कुमार भारत में वोट नहीं कर सकते। इसकी वजह है कि वो कनाडा के नागरिक भी हैं। आलिया भट्ट, पासपोर्ट ब्रिटेन। आलिया भट्ट बॉलीवुड में कई हिट फिल्में देकर मशहूर हो चुकी हैं, जिन्होंने हाल ही में राजी फिल्म में देशभक्त नागरिक का रोल अदा किया। आलिया भट्ट की नई फिल्म कलंक रिलीज हो गई है। फिल्मों के प्रमोशन के साथ साथ आलिया वोट करने की अपील करती है, लेकिन आलिया खुद वोट नहीं डाल सकेंगी क्योंकि आलिया भारत में वोट नहीं कर सकती। दरअसल उनके मां सोनी राजदान ब्रिटिश सिटीजनशिप हासिल किए हुए हैं। आलिया के पास भी ब्रिटिश सिटीजनशिप है। दीपिका पादुकोण, पासपोर्ट डेनमार्क। दीपिका पादुकोण भी अपनी फिल्मों के प्रमोशन के साथ वोट की अपील करती हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण भी भारत में वोट नहीं कर सकती क्योंकि दीपिका पादुकोण भारत में रहने के बावजूद भी एक्ट्रेस डेनमार्क की सिटीजन है। कैटरीना कैफ, पासपोर्ट ब्रिटेन। बॉलीवुड में खास स्थान बना चुकी कैटरीना कैफ भी भारत में वोट नहीं दे सकती क्योंकि पासपोर्ट में भी उनकी सिटीजनशिप ब्रिटिश की है। हालांकि कैटरीना मतदान करने की अपील करती नजर आती है। नरगिस फाकरी, पासपोर्ट अमेरिका। रॉकस्टार से हिंदी सिनेमा जगत में पहचान बना ली है। नरगिस के पिता पाकिस्तानी हैं और मां चेक गणराज्य की हैं। नरगिस न्यूयॉर्क में पैदा हुई थी, इसीलिए नरगिस के पास यूएस सिटीजनशिप है। यूएस सिटीजनशिप होने के कारण भारत में मतदान नहीं कर सकती। इमरान खान, पासपोर्ट अमेरिकी। बेहतर अदाकारी से अभिनेता इमरान खान ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली है, लेकिन अमेरिकी नागरिकता और पासपोर्ट होने के कारण भारत की वोटिंग लिस्ट में उनका नाम नहीं। सनी लियोनी, पासपोर्ट कनाडा। पॉर्न स्टार रह चुकी सनी लियोनी ने बॉलीवुड में अदाकारी से अपनी पहचान बनाई। उन्हें भारतीय नागरिकता मिल चुकी है, लेकिन कनाडा का पासपोर्ट होने के कारण ये भारत में वोट नहीं दे सकेंगे। कल्कि कोचीन, पासपोर्ट फ्रांस। कल्कि कोचीन ने बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बना ली है। कल्कि के माता पिता फ्रांस के हैं, लेकिन कल्कि के माता पिता ने पौंडीचेरी में रहने का फैसला किया। कल्कि का जन्म पौंडीचेरी में ही हुआ। फ्रेंच पासपोर्ट होने के कारण कल्कि भारत में वोट नहीं कर सकती। सपना पब्बी, मॉडलिंग से करियर स्टार्ट कर हिंदी सिने जगत में रखा कदम। सपना पब्बी का जन्म लंदन में हुआ था। ब्रिटिश पासपोर्ट होने के कारण पब्बी भारत में वोट नहीं कर सकती। दीप्ति नवल, टीवी सीरियल और हिंदी फिल्मों के बेहतरीन अदाकारा। हाल ही में अमेजन प्राइम की वेब सीरीज में अभिनय कर धाक जमाई। दीप्ति नवल का पासपोर्ट अमेरिकी होने के कारण भारत में वोट नहीं कर सकती। वेब सीरीज जोया अख्तर, अमेजन प्राइम यूएस सिटीजनशिप। जैकलिन फर्नांडिस, पासपोर्ट श्रीलंका। जैकलिन फर्नांडिस श्रीलंकाई मूल की भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है। जैकलिन 2006 की मिस श्रीलंका यूनिवर्स भी रह चुकी हैं। जैकलिन को 2010 में अलादीन फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री का आईफा और स्टारडम पुरस्कार भी मिला था। चूंकि जैकलिन के पास श्रीलंकाई पासपोर्ट है, इसलिए भारत में निवास करने के बावजूद वो भारत में वोट नहीं कर सकती। तो देखा आपने, रियल लाइफ में देशभक्ति के किरदारों में नजर आने वाले ये सितारे रियल लाइफ में भारत में वोट नहीं दे सकते, लेकिन रियल लाइफ में इनके मतदान करने की अपील मतदान प्रतिशत बढ़ाने में जरूर मददगार साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।